हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ये एक ऑइंटमेंट जिसका नाम है थ्रोम्बोफोब। ये है ऑइंटमेंट ऑफ हेपरिन सोडियम एंड बेंजाइल निकोटिनेट। हेपरिन जो होता है वो होता है एक एंटी कोगुलेंट जिसे कि हम ब्लड थिनर भी कहते हैंगे। इसे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें ब्लड क्लॉट्स को, ताकि हमारे जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो ना बन सकें, ठीक है। और दूसरा जो होता है इसके अंदर में इंग्रेडिएंट वो होता है बेंजाइल निकोटिनेट, जिसको कि हम वेसोडिलेटर की तरह भी इस्तेमाल करते हैंगे। इससे क्या होता है, इसे इस्तेमाल करने से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैंगी हमारी, जो हमारी स्किन है उसके नीचे जो भी ब्लड वेसल्स होती हैंगी उन्हें थोड़ा सा वाइड करने के लिए, ताकि ब्लड जो है वो फ्लो आसानी से कर सके और किसी भी तरीके का कोई ब्लड क्लॉट ना फॉर्म हो सके। इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो वो है 20 ग्राम्स। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो वो है 99 रुपीज़ 60 पैसे। इसका बैच नंबर आप देख सकते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी आप देख सकते हैं, जो कि है तकरीबन 3 साल। ये इसके मोड्स ऑफ एक्शंस आते हैं। ये आप देख सकते हैं और इसके डायरेक्शंस फॉर यूज़ भी हैं। तो बेसिकली अगर हम इस ऑइंटमेंट की बात करें तो अगर आपको जैसे कि कहीं कोई पैर में चोट लगती है, हाथ में चोट लगती है और उससे आपकी स्किन के नीचे, जैसे डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आपकी या तो जैसे कहते हैं मांस फट गया है, स्किन फट गई है, या ब्लड क्लॉट जमा हो गया है जहाँ पर आपको चोट लगी है, तो वहाँ पर जो है आप इस ऑइंटमेंट को जो है इस्तेमाल करें। इसे डॉक्टर की सलाह से ही आप इस्तेमाल करें, जैसे डॉक्टर आपको बताएं कि जितनी बारी भी आपको इसको इस्तेमाल करना है तो उस हिसाब से ही आप इसे इस्तेमाल करें। और जहाँ भी आपका ब्लड क्लॉट जमा हुआ है तो वहाँ पर इस ऑइंटमेंट को जो है आप अच्छे तरीके से जो है इसे सिर्फ लगाएं, इसे रब नहीं करना है आपने और इसे किसी भी तरीके से मतलब मसलना नहीं है और ऐसे नहीं करना है, बस इसे हल्के से हल्के हाथ से बस आपने लगाना है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर आप जैसे हमारे एक रिलेटिव के पैर में ये चोट लगी थी तो उसकी वजह से जो है उनको ब्लड क्लॉट हो गया था पैर में, तो एक बहुत ही रिनोन्ड डॉक्टर ने जो है उन्हें ये दवाई जो है, ये ऑइंटमेंट जो है वो रिकमेंड करी थी, ताकि जो है उनको पेन भी कम हो, इससे लगाने से जो आपका चोट होती है उसमें पेन भी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और आपका जो ब्लड क्लॉट जैसे बन जाता है तो वो भी धीरे धीरे जो है रिमूव होना शुरू होता है और ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ट्यूब की मैं बात करूं तो ट्यूब कुछ इस तरीके से आती है, आप ये देख सकते हैं। ये जाइडस कंपनी जो हैगी ये उनके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड दवाई है, जाइडस डेडिकेटेड टू लाइफ। और जाइडस की जो भी मेडिसिंस वगैरह आती हैंगी, ऑइंटमेंट्स आते हैंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैंगे। तो श्योरली आप इसे जो है डॉक्टरी सलाह से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके आसपास किसी भी केमिस्ट पे जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपको इस दवाई से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके हमसे इस बारे में पूछ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जाइडस फोर्टिसा, जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड जो है उनके द्वारा ये मैन्युफैक्चर्ड दवाई है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी हाथ पे, पैर पे, कहीं भी कोई चोट लगती है
तो और आपको ब्लड क्लॉट हो जाता है या आपका मांस फट जाता है, इस तरीके से अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रब नहीं करना, इसे बस हल्के हाथ से जो है आपने अप्लाई करना है और आप देखेंगे आपको 2 से 3 दिन के अंदर में ही काफ़ी फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।